बहुत पुरानी बात है। एक सम्राट था, ययाति। 100 वर्ष का हो चुका था, मरने का समय आ चुका था। एक दिन मौत दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मौत ने कहा, ययाति, तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, अब तुम्हारा चलने का समय आ चुका है। ययाति ने मौत से कहा, अभी कहाँ, अभी तो मैं कुछ जिया ही नहीं, अभी तो मेरी कुछ भी आकांक्षाएँ पूरी नहीं हुई। अभी तो कितना धन है इस दुनिया में, कितने राज्य हैं जो मुझे जीतने हैं, कितनी सुंदरियां हैं इस दुनिया में जिन्हें अभी तक मैंने देखा ही नहीं। इसलिए तुम अभी जाओ और बाद में आना, जब मैं इस दुनिया के सारे सुख लूट लूँगा तब मुझे ले जाना। मौत ने कहा, ऐसे नहीं हो सकता। ययाति ने कहा, कोई तो रास्ता होगा। मौत मान गई। दूसरे युग की मौत थी, इसलिए शायद मान गई होगी, वरना कलयुग की मौत तो आती है तो लेकर ही जाती है। मौत ने कहा, एक रास्ता है, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें 100 साल का समय और दे सकती हूँ। ययाति ने अपने सारे बेटों से पूछा, सबने मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसने पिता से कहा, जब 100 सालों में आपकी इस दुनिया से तृप्ति नहीं हुई और आपको सुख प्राप्त नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। मैं क्यों फालतू 100 सालों तक संघर्ष करूँ जब अंत में जाना ही है, तो इसलिए मैं आपकी जगह मौत के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वह मौत के साथ चला गया। ययाति को 100 वर्षों का अतिरिक्त समय मिला, लेकिन इस दुनिया के भोग विलास में डूबे ययाति के 100 वर्ष कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। हम इंसानों को पता भी कहाँ चलता है, जब अंत समय आ जाता है और मौत सर पर खड़ी होती है तब याद आता है कि समय हाथ से निकल चुका है और अब तक कुछ भी नहीं किया। ययाति के साथ भी यही हुआ। जब उसने मौत को दोबारा अपने सामने देखा तो उसने कहा, तुम फिर आ गई, क्या मेरे 100 साल पूरे हो गए? मौत ने कहा, हाँ, तुम्हारा समय पूरा हो गया। ययाति ने कहा, लेकिन मैंने तो अभी ठीक से जिया ही नहीं, मुझे तो इस दुनिया में अभी तक सुख मिला ही नहीं, मैं और जीना चाहता हूँ और सुख की तलाश करना चाहता हूँ। मौत ने कहा, ठीक है, अगर फिर से तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें 100 वर्ष का समय और दे सकती हूँ। इन 100 वर्षों में पुराने सारे बेटे तो मर चुके थे, लेकिन बहुत से नए बेटे भी पैदा हो गए थे। उनमें से एक मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ययाति को फिर 100 वर्ष मिल गए, लेकिन ये 100 वर्ष भी बीत गए, कब बीत गए पता ना चला। ययाति ने सोचा था, 100 वर्ष बहुत बड़े होते हैं, खोज लेंगे सुख को, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर मौत आ गई, वह देखकर घबराया। उसने कहा, तुम फिर आ गई? मौत ने कहा, 100 वर्ष पूरे हो गए, तुम कर क्या रहे हो? अभी तक तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हुआ? तुम 200 वर्षों बाद भी वैसे ही उदास दिखाई दे रहे हो। ययाति ने कहा, रोज़ खोजता हूँ सुख को, लगता है कल मिल जाएगा, फिर जब अगला दिन आता है तो निराशा हाथ लगती है, फिर सोचता हूँ कल मिल जाएगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं। इस सुख की प्राप्ति के चक्कर में मैंने कितना धन इकट्ठा कर लिया, कितनी सुंदर स्त्रियों से विवाह कर लिए, लेकिन वो सुख जो मुझे चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं मिला। तुम मुझे बस 100 वर्ष और दे दो, मैं निश्चित ही इन 100 वर्षों में सुख को खोज लूँगा। मौत फिर मान गई, लेकिन उसी शर्त पर। फिर इस बार ययाति के कई पुत्रों में से एक मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं ऐसे ही सम्राट ययाति 1000 सालों तक इस दुनिया में सुख की खोज करता रहा, और 1000 वर्षों के बाद जब मौत ने दस्तक दी तब वह ठीक उसी हालत में था जैसे पहली बार 100 वर्ष की उम्र में दस्तक दी थी तब था। लेकिन इस बार उसने मौत से कहा, अच्छा अब ले ही चलो, हालांकि अभी तक मुझे इस दुनिया में सुख मिला नहीं, पर अब वो मिलेगा भी नहीं। ययाति की कहानी तो बस एक कहानी है, लेकिन जो जानते हैं वो कहते हैं कि हम भी बहुत बार जी चुके हैं, बस हर बार शरीर बदल जाता है। ययाति का भी बदल गया, बेटे का मिल जाता था, उम्र बढ़ जाती थी, लेकिन शरीर बेटे का मिल जाता था। 1000 वर्ष हम भी जी चुके हैं अलग अलग शरीर के साथ उसी सुख की खोज में, लेकिन वह किसी को मिलता नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सुख के मोह में ही इंसान इस दुनिया में बार बार जन्म लेता है। वह जन्म लेता है, जिंदगी भर सुख की खोज में भटकता है और मर जाता है, लेकिन उसका मोह अभी खत्म नहीं होता। वह फिर से सुख भोगने की इच्छा से दूसरे शरीर में जन्म लेता है और यह चक्र चलता रहता है जब तक कि वह इंसान उस सुख को खुद के भीतर नहीं खोज देता। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिकी इतिहास के सबसे अमीर इंसान थे। आज की डिजिटल दुनिया में मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस के लिए $100 बिलियन कमा लेना आसान है, क्योंकि आज धन सबसे तेजी से बन रहा है। एंड्रयू कार्नेगी उस समय के उद्योगपति थे
जब किसी उद्योगपति को $1 अरब कमाने में अपनी पूरी जिंदगी लग जाती थी। उस समय एंड्रयू कार्नेगी ने $10 अरब कमाए थे। उन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में एक स्टील कंपनी में एक साधारण मजदूर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। इसके बाद भी वो उस समय अमेरिकी इतिहास के सबसे अमीर इंसान बने। जब वे मर रहे थे तब वे अपने पीछे $10 अरब की संपत्ति छोड़कर जा रहे थे। इतना पैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन पर बुक लिखने वाले राइटर्स ने उनके मरने के दिन उनसे पूछा, आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि आप अपने पीछे $10 अरब की संपत्ति छोड़कर जा रहे हैं। आप इस दुनिया के सबसे सफल उद्योगपति हैं। आज तक किसी भी उद्योगपति ने $10 अरब नहीं कमाए, इसलिए आप तो खुशी खुशी मरेंगे। यह सुन एंड्रयू कार्नेगी ने बड़े गुस्से में कहा, क्या $10 अरब? मैं तो $100 अरब कमाना चाहता था, लेकिन मैं सफल रहा। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अगर एंड्रयू कार्नेगी ने $100 अरब कमा लिए होते तो उनकी इच्छा रहती मुझे $500 अरब कमाने थे। जब तक हम इंसान यह नहीं समझेंगे कि मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है, तब तक हम इस मोह से बाहर आ ही नहीं सकते और हम कभी सुख की अनुभूति कर ही नहीं सकते। देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।